के हो गए, बिल्कुल लॉन्ग ले लो एक। आते हुए जितने एंगल है साला सौ से छोड़ ले लो, जहाँ जहाँ एंगल कोई मत छोड़ो। टेप तो ये होती नहीं है, पी टू होता डिलीट होता है। तेरे को संजीव भाई देखो तो और शॉट बाद में बनाने, पहले फटाफट देखो खड़े हो जल्दी हो चलो। देखो तो एकदम भीड़ की भीड़ आ रही है वो, ठीक है वो शॉट ले लो खींच के। ये देखो ली ये हो गया कट, ये हो गया कट।
तीन घंटे गर्मी में खड़ा होता है, खड़ी धूप होती है यहाँ पे, फिर वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। ये बोला छोल गाड़ी स्टार्ट रखे भैया, तीन सेकंड रोक कर फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ तीन सेकंड रोकना। ये जो फ्लाईओवर से हम जो शॉट लेते हैं ना, ज़्यादा चलते नहीं है ये वाला। अभी हम फ्लाईओवर पर खड़े हैं तो जो आदमी देखता है ना वो पागल नहीं होता। पहले लाइब्रेरी निपटा लेते हैं फिर एडमिशन के लिए। इसका एक दो शॉट मार दो बस। करता रहता ही करता रहता।
चार्ज लूंगा मैं किस चीज का? इसका, ये फ्रेम बनाने का। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं किस चीज का। बताया किसने ये? तो चार्ज किसका बनता है? तुम भी मतलब आज सारी कलाकारी दिखाओगे? आज ही दिखाओगे ना? इतना बड़ा कैमरा मैन तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वो बढ़ा दिया तुम्हें अपर्चर? भाई साहब इनके हॉस्टल में तो लिफ्ट भी है। आइडल शॉट जो होता है ना वो 8 से 10 सेकंड का आइडल शॉट माना जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो अगर तो उसको 15 सेकंड तक आप खींच सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 सेकंड के लिए शूट करेंगे। ठीक है, फिर 2-3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के लिए वहाँ रुकते हैं, और हमेशा कट करने से पहले 2 या 3 सेकंड रुकना चाहिए कैमरा। पारुल उसमें वीओ चलता है ना ज़्यादा? है? इस प्रोग्राम में ज़्यादातर वीओ चलता है ना? वीओ? हाँ। फोकस मार रहे हो? सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे यूनिवर्सिटी कितने सालों से है और कौन कौन से कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी कराती है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 1999 में स्थापित हुई थी, दिल्ली सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसमें हमारे सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीटेक इंजीनियरिंग, एमटेक, बीए, एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, MBA, MCA, Mass Communication, Masters in Mass Communication, और तरह तरह के फार्मेसी, MBBS, सुपर स्पेशलिटी, MD, अनेक प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास। कह सकते हैं कि अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्सेज में आना है तो एक ही प्रांगण में सारे प्रांगण। मेरा ये मानना है बच्चों के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें सिर्फ आपके BA, BCom, BSc है, और उसके बाद आपको दोबारा देखना पड़ता है क्या करना चाहिए। उसकी बजाय बच्चों को 12वीं के बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस की तरफ रुझान रखना चाहिए। सर, यहाँ एडमिशन लेने के लिए प्रोसेसर क्या होता है? हमारे यहाँ CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भरना पड़ता है, जिसके लिए बैंकों के द्वारा मिलता है या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारी 1 अक्टूबर-1 नवंबर में शुरू होती है। सर, काउंसलिंग वगैरह, एडमिशन वगैरह कब से कब तक? जब CET होता है उसके बाद रिजल्ट्स आ जाता है, प्रॉस्पेक्टस में सारी डेट्स दी हुई हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग लगता है, और उसके बाद काउंसलिंग में आपको बुलाया जाता है। काउंसलिंग प्योरली मेरिट के आधार पे है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के साथ साथ आपको इसमें किया जाता है। और सर, जॉब प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी कितना जॉब प्लेसमेंट और कैसा? देखिए, जॉब प्लेसमेंट तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि हर एक को अपना मिथ ये क्लियर कर लेना चाहिए
किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे उसको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। जॉब प्लेसमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहली अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। तो उसके सब अगर आप ओवरऑल देखें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का स्कूल कैंपस और जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट मैं कहूँगा ओवरऑल इतनी लार्ज स्ट्रेंथ देखते हुए बहुत अच्छी है। सर, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कॉलेजेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स? हमारे करीब करीब 104 प्लस कॉलेजेस हैं, ये संख्या बढ़ती रहती है क्योंकि कुछ कॉलेज नए आते हैं, कुछ होते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली सर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो योगा के ऊपर BSc योगा का कोर्स इस साल से शुरू करने जा रहा है। और सर, बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ रहने के लिए किस तरह? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि बाहर और दिल्ली का बच्चों का जो डिसीज़न है वो उनके स्कूलिंग के ऊपर है, चाहे वो बच्चा बाहर का हो चाहे दिल्ली का हो। अगर उसने दिल्ली से स्कूलिंग की है या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम BA BSc किया है तो वो दिल्ली के 85% कैटेगरी में आएगा, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे बाहर का। अगर उसने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिल्ली के बाहर से किया है तो उसके बाद वो 15% कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ उनके लिए रहने के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल प्रोविजन है, काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं और इस साल से उनकी अभी शुरुआत हो जाएगी, 2 हॉस्टल गर्ल्स और 2 हॉस्टल बॉयज़ के हैं। सर, एक बात साथ से लास्ट क्वेश्चन कि इस यूनिवर्सिटी की खासियत जो हमारी नज़र से बच पाई और हमें ना पता चल पाई? देखिए, मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का जो मोटो है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एंड उस मोटो के स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस के मोटो के साथ यूनिवर्सिटी पढ़ाई की तरफ अपना क्वालिटी को कंट्रोल कर रही है। और शायद यही कारण है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो इतनी साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, 10 साल में करीब करीब हम उनके बराबर आज आके खड़े हो गए हैं और बहुत ही काबिल बच्चे आज प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आ रहे हैं। थैंक यू। एक दो कट में बना देते हैं। रिजर्वेशन वाला बोल रहे हैं। सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? एक हफ्ता जो ये एडमिशन ऑफिस पे दिया था, दो दिन रेजिस्ट्रेशन कर दो। बिल्कुल, एक बार वो दिखा भी देना कागज जो दिया। हम भी आएगा यार।
ये बोर्ड ले लेना, एक वो ग्रीन वाला, वो नीला वाला है ना, ले लिया। हेलो, देख रहा हूँ।